पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। एक बार गौतम बुद्ध जगह जगह घूमकर उपदेश दिया करते थे और अच्छे विचारों को बांटा करते थे। वे लोगों के जीवन के दुखों को दूर किया करते थे। उनकी बातों को सुनकर लोग बहुत खुश हो जाते, इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद किया करते थे। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो गौतम बुद्ध से नफरत किया करते थे। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ घूम रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पास आया और उन्हें उल्टी सीधी गालियां देने लगा और उन्हें ढोंगी बोला। यह सब सुन लेने के बाद भी महात्मा बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा, वे शांत रहे, चुपचाप सुनते रहे। ऐसे में उस व्यक्ति ने फिर से गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी गालियां दी और उनके पूर्वजों के बारे में भला बुरा कहने लगा। लेकिन फिर भी महात्मा बुद्ध ने उसे कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी और वे शांत रहे। यह सब देखकर उनके शिष्य और आसपास मौजूद लोग हैरान हो गए कि महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रहे। कुछ देर बाद वह व्यक्ति अपने आप ही शांत हो गया। उसके शांत हो जाने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, अगर कोई हमें तोहफा देता है तो यह हमारे ऊपर है कि उसे हम लेते हैं या नहीं। अगर हम उसे अपना लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है, वहीं अगर हम उसे नहीं अपनाते तो वो उसी व्यक्ति के पास चला जाता है जिसने वो तोहफा दिया था। उसी प्रकार इस व्यक्ति द्वारा दिए गए अपशब्द स्वीकार करना या ना करना हमारे ऊपर है। हमें कभी भी तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें हमेशा शांत होकर सही या गलत के बारे में विचार करके ही प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इससे बुरी से बुरी बातें टल जाती हैं और मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। गौतम बुद्ध की यह सब बातें सुन लेने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा हो गया और तुरंत बुद्ध के चरणों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। बुद्ध ने उसे माफ किया और आगे बढ़ चले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? तो हमें दोस्तों, कुछ भी स्वीकार करना या ना करना हमारे ऊपर है, इसलिए हमें जीवन के लिए अच्छी चीजों को स्वीकार करना चाहिए। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि जरूरी नहीं है कि दूसरे द्वारा किया गया अपमान सच में आपका अपमान हो। आप अपमानित तब होते हैं जब आप अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। अगर आपका कोई भी अपमान करे तो उसे आप एक अच्छा रिस्पॉन्ड दें। ऐसा करने से आपका अपमान नहीं होगा, लेकिन अगर आप बुरी प्रतिक्रिया रिएक्ट करते हैं तो इससे आपका अपमान तय है। इसलिए हमें सोच समझकर रिस्पॉन्ड देना चाहिए। दी, थैंक यू सो मच। अब तो मुझे और भी अच्छे समझ आ गया कि हमें सबको प्यार करना है। ये है मस्ती की पाठशाला।